देखिए पिछला वाली 4.4 इसमें केवल दो ही सवाल हैं, ठीक है? तो ये पूरी प्रश्नावली अभी हल कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एक चर वाले हों या दो चर वाले, समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल है कि y बराबर 3 को जब आप एक चर का समीकरण मानते हो तब आप इसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे, और y बराबर 3 को जब दो चर का निरूपण मानते हो तब आप इसका ज्यामितीय। सवाल नंबर 2 सुन लीजिए। पहला सवाल क्या है? जब y बराबर 3 एक चर वाले समीकरण के रूप में है, यानी ये y बराबर 3 है, इसे क्या मान रहे हैं हम? एक चर, दूसरा चर है ही नहीं, दूसरा चर है। ये पहुंच गए आप कक्षा 6 में। कक्षा 6 में आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, एक रेखा खींचते थे और पैमाने से बीच में 0 और 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाते थे, ध्यान आया कुछ? और ये रेखा जितनी चाहे उतनी लंबी हो सकती थी। ये -1, -2, -3, -4 ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 आगे 7 भी होगा, 8 भी। ये तीर जा रहा है किधर? प्लस अनंत की तरफ, और ये तीर जा रहा है कहाँ? माइनस, क्योंकि प्लस अनंत नाम की दुनिया में कोई संख्या नहीं है, हाँ, और माइनस अनंत नाम की दुनिया में कोई संख्या नहीं। तो जब ना प्लस अनंत है ना माइनस अनंत है, इसका मतलब ये जा रहा है, ये संख्या रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? संख्या रेखा। और ये होती है एक चर। जब केवल एक चर आपको दिया हो तो ज्यामितीय निरूपण कहाँ होता है? संख्या रेखा, यानी नंबर केवल आपके, ये बात ध्यान रखने के हैं कि एक चर वाला संख्या रेखा पे होता है। और कितना आसान है, आ जाइए 6, इसे थोड़ा मोटा कर दो, लिख दो y बराबर 6, खत्म। आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया y बराबर 6 मिलेगा। ये 4 नंबर तक आ चुका है और 2 नंबर में तो आते ही आता है नीचे, कोई दिक्कत इसमें? ये सवाल बस कोई बच्चा नहीं कर पाएगा जो ये सोचेगा कि ये बड़ा आसान है। बहुत सारे सवाल केवल हम इसलिए नहीं कर पाते कि हम सवाल को अंदर से ना समझ कर सोचते हैं अरे पता नहीं इसमें क्या होने वाला होगा, क्योंकि भाषा बहुत टिपिकल लग रही है। एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण, तो y बराबर 3 का एक चर में जो ज्यामितीय निरूपण होगा तो संख्या रेखा पर हो जाएगा। कोई समस्या? अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, y बराबर 3 का दो चर वाले समीकरण मान लेते हैं, समीकरण के रूप में कौन सा निरूपण? जब दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात आती है तो हमें बनानी पड़ेगा कार्तीय तल। क्या बनाना पड़ेगा? कार्तीय तल। कैसे बनता है? एक संख्या रेखा बनाओ और जीरो पर एक 90 डिग्री पर के एक और संख्या रेखा खड़ी करके बना, यानी दो संख्या रेखा बनानी, और एक ये होगा जीरो, ये होगा एक, इसमें 90 डिग्री बनेगी संख्या रेखा, यानी इसे घुमा दोगे 90 डिग्री, ये वाई, ये एक्स, ये एक्स। कोई समस्या? और ये कहलाता है जीरो मूल बिंदु, एक दो तीन चार पांच
पाँच माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार। जब ये दो चर में हो गई समीकरण, तो दो चर में समीकरण किस रूप में होती है? एक्स प्लस प्लस सी बराबर। ये तो पार्ट का ही नाम है, दो चरों में रैखिक समीकरण इस रूप में होता है। अगर मैं इसको इस रूप में लिखूं y बराबर तीन को, कैसे लिखेंगे? y बराबर है तीन, इसे लिखेंगे y माइनस तीन बराबर जीरो, और जीरो इसमें जोड़ लेंगे। तो इसका दो चरों में समीकरण का रूप क्या आ गया? जीरो एक्स वन वाई माइनस तीन बराबर जीरो। और जब हमारे पास y बराबर तीन है, ये तो मैंने लिख के दिखा दिया, ये मैंने आपको लिख के दिखाया है कि y बराबर तीन को दो चरों में रैखिक समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं। कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछ लेता है कि y बराबर तीन को दो चरों में रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए, तो रैखिक समीकरण के रूप में हमने लिख दिया। लेकिन अब तो हमें ग्राफ बनाना है, तो हमें कितना दे रखा है? y बराबर तीन है। अरे यहाँ भी बोला ये y बराबर तीन है, आ गया ये आ गया y बराबर तीन, ये भी y बराबर तीन है, ठीक है। तो जब y बराबर तीन है तो हम तो ये बॉक्स बनाते हैं, ध्यान होगा बिंदु निकालने के लिए। यस सर, x और y, x इसमें है ही नहीं, इसका मतलब x का मान चाहे जीरो लो चाहे एक लो चाहे दो लो, y का मान कितना रहेगा? तीन। क्योंकि जब x बराबर x का पद इसमें है ही नहीं, इसका मतलब x के पद का गुणांक कितना है? जीरो। तो जीरो को तो ना जोड़ के कोई फायदा है ना, तो ना जोड़ का फायदा ना घटा का फायदा, लिखने का भी क्या फायदा, तो उसने लिखा ही नहीं, ठीक है। अब x का ये समझ लो ये किस तरह से है, अब x को आप एक ले लो तो भी तीन गुणा जीरो वाई बराबर तीन रहे, दो ले लोगे तो भी तीन, तीन ले लोगे तो भी तीन, जीरो 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 प्लस तीन तीन। तो यहाँ पे बिंदु ढूंढो, बिंदु क्या निकल कर आए? बिंदु निकल रहा है जीरो कॉमा तीन, एक कॉमा तीन और दो कॉमा तीन, ये हल कहलाते हैं इसके। तो जीरो कॉमा तीन एक्स जीरो वाई तीन, एक कॉमा तीन एक्स एक वाई तीन, दो कॉमा तीन एक्स दो वाई, इन्हें मिला। और पूछे ये कौन सी रेखा है? वाई बराबर इसके प्रत्येक बिंदु पर आप देखो y कितना है? तीन है। x में परिवर्तन हो रहा है, x चाहे माइनस एक ले लो, x चाहे माइनस दो ले लो, ये माइनस दो कॉमा तीन बिंदु हो, ये बिंदु कितना हुआ? माइनस चार कॉमा तीन। यानी इसका y निर्देशांक तो कुछ भी है, लेकिन x सॉरी x निर्देशांक कुछ भी हो, y कितना रहेगा? तीन। तो कुछ बच्चे डायरेक्ट भी इसको याद कर लेते कि अगर कभी y बराबर तीन दिया उसमें x है ही नहीं, तो y बराबर तीन पर पहुंचो और x x के समांतर रेखा तीन, वो कहे y बराबर माइनस तीन तो y बराबर माइनस तीन पर पहुंचो और x x के समांतर, वो कहे x बराबर एक y है ही नहीं तो x बराबर एक पर पहुंचो y के समांतर रेखा तीन। समझ में आ रही है बात? कब? जब हम इसे दो चरों वाला लेंगे। ये बात दिमाग में आ गई? इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट की जगह नहीं जी, इधर देखो। दूसरे सवाल में तो समीकरण दिया है हमें 2x प्लस 9 बराबर, इसको कह रहा है कि ऐसा करो भाई इसे भी एक चर वाले और दो चर वाले रूप में लिख के दिखाओ। तो लिखो पहले तो इसका मान निकाल हल कर लेते हैं। क्या करते हैं जब भी हमें हमें ग्राफ बनाना होता है, या तो हम x का मान y के पदों में निकालते हैं, ये y का मान x के पदों में निकालते हैं, इसमें तो y है ही नहीं तो x का मान निकाल लो, ठीक है x का मान निकाल लेते हैं। कितना होगा? 2x बराबर प्लस 9 से जाकर माइनस 9 होगा, x बराबर माइनस 9 बटे 2, तो यहां से x बराबर कितना आ गया? 4.5। संख्या रेखा पर सबसे पहले किस रूप में लिखेंगे? एक चर वाले समीकरण के रूप में कौन सा निरूपण? पिछली बार जब हमने कराया था तो बहुत कम बच्चे आए थे,
ये जीरो हो गया, ये एक हो गया, दो, ये दो हो गया, तीन हो गया, चार, आगे बढ़ा लो इसे। पैमाना भी हमारा, पेंसिल भी हमारी, तो आपको जरूरत के हिसाब से काम करेंगे। प्लस अनंत माइनस अनंत माइनस एक माइनस 4.5 कहाँ होगा सर? बीच में होगा, चार और पाँच के बीच में। तो आपके पैमाने में बीच वाले जो बीच वाला जो खाना वो लंबा होता है, पैमाना रख के और चार और पाँच के बीच में आप लगा लोगे माइनस सर, आगे माइनस तीन माइनस चार माइनस ये माइनस ये आ गया बार एक्स बराबर माइनस चार पॉइंट पांच ये है माइनस चार पॉइंट। तो आप देख रहे हैं ये हल्का सा तीन है, तो आप देख रहे हैं अच्छा नहीं लगा, ये बड़ा लगा एक्स बराबर माइनस चार पॉइंट। तो आपने यहां देखा कि चाहे वाई बराबर दे मान चाहे एक्स बराबर, जब हम एक चर में समीकरण मान के चलते हैं तो कोई प्रभाव नहीं होता, y भी वैसे ही सोचा जाएगा जैसे x सोचा जाएगा, जैसे z सोचा जाएगा, क्योंकि हम उसे संख्या रेखा पर लगा रहे हैं और एक चर में लगा रहे हैं, तो एक चर तो कुछ भी हो जाए x से लेकर z तक, लेकिन जब दो चरों में लगाएंगे तो उसमें पहला वाला x और दूसरा वाला y, दो चरों में कैसे लगेगा इसी में लग जाएगा, यहाँ आ जाओ चार माइनस पांच बीच में आएगा माइनस चार पॉइंट पांच, समांतर लिख दो माइनस चार।